तो दोस्तों थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से फ्रॉड के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। ये है नेक्स्ट लेवल फ्रॉड जो कि होता है इंडिया मार्ट पे। अभी इंडिया मार्ट पे हम लोगों को बहुत सारी इंक्वायरीज आती है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इंक्वायरी करते हैं, रिक्वायरमेंट डालते हैं और हम लोग उनका फॉलोअप लेके उनसे डायरेक्टली चैटिंग करने लगते हैं व्हाट्सएप पे। इंडिया मार्ट पे भी कर सकते हैं बट बहुत सारे जो वेंडर्स है, जो सेलर्स है, वो प्रीफर करते हैं व्हाट्सएप पे चैटिंग करना, बिकॉज वो बहुत ज्यादा रिलायबल है, कन्वीनियंट है। वहाँ पे हम लोग कैटलॉग इंस्टेंटली शेयर कर सकते हैं, पेमेंट हो या फिर कोई अपडेट हो, ये सब कुछ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 50-60-70% जो भी ऑर्डर कन्फर्म होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू होते हैं। हुआ क्या, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, ये मुझे एक इंक्वायरी आती है व्हाट्सएप पे, जो कि थी वर्मी कंपोस्ट, जो कि ऑर्गेनिक पैन्योर है जो गार्डनिंग में यूज होता है। इनका नाम ये बताते हैं मंजीत सिंह। इंक्वायरी डालने के बाद मैं उनसे चैटिंग करने लगता हूँ, मैं उनसे बातचीत करता हूँ थोड़ा कि आपको कितनी चाहिए, क्या चाहिए, हमारे पास में उतना स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि इनकी जो इंक्वायरी थी वो थी 250 बैग्स के लिए और 50 केजी की ईच बैग रहती है। 50 केजी की ईच बैग के हिसाब से आप अगर पकड़ के चलो तो 12.5 टन का ऑर्डर बनता था। मुझे हल्का सा क्लिक हुआ, इन्होंने जैसे ही बताया मुझे कि ये आर्मी से बात कर रहे हैं। अभी आर्मी से एकदम क्लिक हो जाता है आदमी को कि यार ये तो एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक गवर्नमेंट टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू ये ऑर्डर्स प्लेस होते हैं। तो मुझे भी थोड़ा सा शॉकिंग लगा, मैं बोला चलो कोई कॉन्ट्रैक्टर होगा वहाँ पे या फिर कोई जो लैंडस्केपर है वहाँ पे काम कर रहा होगा गार्डनिंग में, उनको यूज में आता होगा और वो यूज करने के लिए ये इंक्वायरी डाले होंगे। अभी जैसे इंक्वायरी आती है मैं उनसे चैटिंग की, मैंने उनको कैटलॉग शेयर किया, मैंने उनको कॉस्टिंग भी शेयर की कि इतना इतना कॉस्ट आपको आएगा, ट्रांसपोर्टेशन कितना आएगा, क्या आएगा। और ये बात है मेरे नागपुर से ही ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ पे कामठी एक एरिया है, कामठी में एक आर्मी कैंप है। तो जैसे ही मुझे पता चला कि आर्मी से बात कर रहे हैं, उन्होंने जैसे बताया कि मैं आर्मी से बात कर रहा हूँ, आर्मी कैंप से बात कर रहा हूँ, मैंने क्रॉस वेरीफाई किया कि आर्मी कैंप है या नहीं है अपने कामठी के पास में। सो जैसे ही मुझे पता चला कि है तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे भरोसा किया कि मुझे लगा चलो यहाँ पे कोई होगा जो जिनको रिक्वायरमेंट होंगी, यहाँ पे काम चल रहा होगा। मैंने जैसे उनको कॉस्टिंग शेयर की, मैंने उनको पूरा एस्टिमेट शेयर किया हमारे लेटर हेड के साथ में। एस्टिमेट शेयर करने के बाद में टोटल जो बिल बन रहा था, क्योंकि हमारे पास में उतना मटेरियल नहीं था, 60-70 टन के आसपास में मटेरियल था, तो मैंने उनको एस्टिमेट शेयर कर दिया। एस्टिमेट बना था ऑलमोस्ट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट और जो भी हैंडलिंग के चार्जेस है वो पकड़ के 80,200 रुपीज़। तो उन्होंने मुझे बोला कि कुलदीप सर यहाँ पे मैनेजर है। अभी मुझे वहां पे भी और क्लिक हो गया, मैं बोला यार मैनेजर कौन है यहाँ पे। तो मैं भी हल्का सा मेरे को डाउट और वहां पे आ गया, मैं बोला मैनेजर कौन रहता है यहाँ पे, चलो ठीक है। उसके बाद में बोला जैसे पैसे आते हैं तो उसके बाद में ही ये कंफर्मेशन हो सकता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बायर्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स रहते हैं जो सिर्फ इंक्वायरी करते हैं प्रोडक्ट की डिटेल जानने के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग जानने के लिए, उसके बाद में ना वो प्रोडक्ट लेते हैं ना कुछ लेते हैं। ऐसे ही उनसे कॉस्टिंग शेयर कर दी और जब तक पेमेंट कंफर्म नहीं होता तब तक तो मटेरियल अपन निकालेंगे नहीं, और ऑब्वियसली बात है निकालते भी नहीं हम लोग। देन उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला कि यहाँ पे जो मैनेजर है जो पेमेंट रिलीज करेंगे आप, उनका नाम है कुलदीप सर। सो मैंने उनको बोला फिर कि चलो ठीक है, उनको बोल दीजिए इतना इतना एस्टिमेट है, आप पेमेंट कर दीजिए, आप लगे तो 50% एडवांस कर दीजिए, 50% जैसे ही लोड होती है गाड़ी उसके बाद आप कर दीजिएगा। तो ये सब कुछ हो गया। फिर कुलदीप सर का फोन आता है मुझे, कल उनका फोन आया, उन्होंने बोला मेरे को कि एक्स वाई जेड आपका पेमेंट है, मुझे रिलीज करना है, तो आप अपना जो फोन पे नंबर है वो मुझे दीजिए। मैंने ऑलरेडी डिटेल शेयर कर दी थी मंजीत सर को कि एक्स वाई जेड डिटेल्स है, पेमेंट डिटेल्स, और मैंने अपनी यूपीआई आईडी भी वापस शेयर कर दी थी फोन पे। अभी शेयर करने के बाद में उनका कॉल आता है मुझे और वो बोलते हैं मुझे कि आप अपने अकाउंट में चेक करिए आपको 5 रुपए आए हैं क्या कंफर्मेशन के लिए। अभी 5 रुपए तो मुझे आए नहीं। उन्होंने और मेरे को क्या बोला कि आप अपना जो बैलेंस है बैंक बैलेंस वो चेक करिए। चेक मैं बोला यार मुझे पूरा 100% डाउट हो गया। फिर वहां पे मैं बैंक बैलेंस का के लिए चेक करूं, मुझे तो जरूरत नहीं है ना बैंक बैलेंस चेक करने की। आपने आपको मैंने पूरी डिटेल शेयर की है, मैंने आपको यूपीआई आईडी दी है, मैंने आपको एनईएफटी की डिटेल्स दी है, आप वहां से पेमेंट रिलीज कर दीजिए। नहीं सर, बोला आपको वो चेक करना पड़ेगा। मैं बोला चेक करने की बात छोड़ो, मैं अभी हूं बोला बिजी, मैं आपको थोड़ा बाद में कॉल करता हूं। तो मैंने वहां पे क्लिक कर लिया इनको और मुझे फुल्ली डाउट हो गया था कि ये बोला ये अभी फ्रॉड है। तो उसके बाद में ना मैंने उनसे चैटिंग की, आप जैसे फोन पे भी देख पा रहे हो कि ये फोन पे भी चैटिंग हो रही थी हमारी, तो ये फोन पे भी चैटिंग होते होते मैंने उनसे बातचीत करना ही बंद कर दिया, फिर उसके बाद में बातचीत ही नहीं हुई हमारी। तो ऐसे होता है दोस्तों फ्रॉड, ये फ्रॉड बहुत ही कम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं और जल्दी से इसमें फंस भी जाते हैं, बिकॉज ये इतने टॉप लेवल पे खेलते हैं कि इसकी कोई हद नहीं है। हमारा बैंक का अकाउंट कैसे हैक कर लेंगे या फिर हमारे बैंक से पैसे कैसे निकाल लेंगे हमें भी पता नहीं चलता। तो होता क्या है इसमें, जनरली आपको यूजुअली एक जो रेगुलर प्रैक्टिस इनकी चलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये होता है क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड हमें शेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि इस क्यूआर कोड को स्कैन करिए। स्कैन कब करते हैं हम लोग क्यूआर कोड, जब हमें पेमेंट भेजना पड़ता है, पेमेंट जब लेना पड़ता है, तो एक्स वाई जेड क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यार, तो काय के लिए स्कैन करें।
तो ये इनकी बेस्ट प्रैक्टिस चलती है। अभी ये जंप कर रहे हैं इंडिया मार्ट पे, इन्होंने जंप किया इंडिया मार्ट पे, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि इस टाइप के फ्रॉड में बिल्कुल मत फंसिएगा। ये आपका पूरा बैंक बैलेंस खा जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको। इसलिए इन जैसे जो भी आर्मी के ऑफिशियल्स है या फिर आर्मी के जो भी एक्सपाजिट पर्सन है जो आपको इस टाइप के पेमेंट लेने के लिए या फिर इस टाइप का अगर कुछ गेम खेलने का आपके साथ ट्राई करते हैं, तो बिल्कुल इसमें बहुत फंसिएगा। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपके साथ में फ्रॉड बन सकता है और अगला फ्रॉड आपके साथ ही हो सकता है। सो इसलिए इस बात का ध्यान रखिए, जितने भी वेंडर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, और कभी भी कोई ऑर्डर आता है तो उसको प्रॉपरली एनालाइज करिए। जब तक पेमेंट आता नहीं है, जब तक कन्फर्मेशन होता नहीं है पेमेंट का, तब तक उनको माल मत भेजिए। सो दोस्तों, आशा करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही वैल्यूबल लगी होंगी। अगर वैल्यूबल लगी होंगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।